हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स, इवन आपकी प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, मतलब बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो काम कैसे करता है। हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, अब इसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है यूजिंग द बबल सॉर्ट। तो हम करते क्या है, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको मैंने बबल एलिमेंट बना दिया। अब हम कंपेयर करते हैं इसको नेक्स्ट एलिमेंट से, इस एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है, मतलब इस बबल से अगर नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है तो आपको क्या करना है, यहां पे स्वैप। अगर नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बबल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। मतलब लेट्स से 10 ग्रेटर देन 9, बबल से ये एलिमेंट छोटा है तो आपको करना क्या है, यहां पे स्वैप कर दो, 10 यहां आ गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एज इट इज, कुछ नहीं करना बाकी। अब आपका बबल स्टिल कौन है, 10। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 11, सिर्फ नेक्स्ट के साथ ही कंपेयर करना है, तो 10 को कंपेयर किया 11 के साथ, तो 11 क्या है, बड़ा। 11 बड़ा मतलब आपको अब बबल शिफ्ट कर देना है। अब बबल कौन बन गया, 11 जो है वो बबल एलिमेंट अब यहां पे बन गया। अब आपको 11 को 6 के साथ कंपेयर करना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट बबल से छोटा है तो इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो, 9, 10, 6, 11, 15, 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो बबल से बड़ा है, तो यानी अब आप बबल को ही शिफ्ट कर दो, अदरवाइज हम स्वैप करते हैं, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ बबल को यहां पे क्या करना है, शिफ्ट कर देना। मतलब 9, 10, 6, 11, 15 विल बी द बबल एलिमेंट एंड नेक्स्ट इज 2। तो स्वैपिंग हम कब कर रहे हैं, स्वैपिंग हम एक ही केस में कर रहे हैं अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो बबल से छोटा है। तो नेक्स्ट एलिमेंट देखो फिर छोटा है, तो यहां पे 9, 10, 6, 11, 2, 15, तो ये आपका जो है यहां पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट पास। ये क्या कंप्लीट हुआ है, पास वन, या इसको आप कह सकते हो स्टेप वन। तो यहां पे बबल सॉर्ट में हमेशा याद रखना, आफ्टर एवरी पास द मैक्सिमम एलिमेंट विल बी एट द करेक्ट पोजीशन, मतलब पहले पास के बाद क्या होगा, पूरे एरे में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो राइट मोस्ट पोजीशन पे, मतलब अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो देखो 15 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब आपको 15 को कंसीडर नहीं करना, मतलब अब हम n माइनस वन, अगर टोटल लेंथ n है तो अब हम n माइनस वन को ही कंसीडर करेंगे नेक्स्ट पास के लिए। तो नेक्स्ट पास में फिर हमने क्या लिया, 9 को, लेट से हमने क्या ले लिया, बबल ले लिया। तो 9 को अगर मैंने बबल ले लिया, 15 को आपको नहीं छेड़ना, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बबल से बड़ा, तो आप बबल को क्या कर दो, 10 को बबल बना दो। नेक्स्ट 6 जो है वो बबल से छोटा है, स्वैप कर दो, स्वैप में 6 यहां आ जाएगा, 10 यहां आ जाएगा, नेक्स्ट 15 जो है वो एज इट इज लिखते रहो। देन 11 जो है वो 10 से बड़ा है, तो यानी आपको अब क्या करना है, बबल जो है वो कौन बन जाएगा, 11 जो है वो बबल बन जाएगा, स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट 2 विच इज लेस देन द बबल, अब आपको क्या करना है, यहां पे स्वैप करना है, तो 2 यहां पे आ जाएगा, 11 यहां पे आ जाएगा, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम एज इट इज। तो देखो अब हमने सेकंड पास जो है वो कंप्लीट कर लिया। सेकंड पास कंप्लीट करने का मतलब है कि आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे पहुंच गया। तो देखो दोनों एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब आपको थर्ड पास चलाना है, तो थर्ड पास में रिमेंबर n माइनस टू, पहले n माइनस वन को कंसीडर किया था, अब हम n माइनस टू को कंसीडर करेंगे, यानी नेक्स्ट में कौन बन जाएगा, 9 विल बी द बबल एलिमेंट, देन यू कंपेयर इट विद द 6, तो देन इट विल बी 6, 9 यहां आ जाएगा, 10, 2, देन 6, 9 बबल जो है वो कौन बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 2, और लास्ट में क्या होगा, 6, 10 जो है वो नेक्स्ट यहां पे चला जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, तो 10 यहां पे आ गया, यानी जो 11 और 15 जो है वो एज इट इज। तो देखो तीसरे पास के बाद तीनों एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। तो यहां पे इस तरीके से जो है आपको वन बाय वन मूव करना है। तो यहां पे कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है, सबसे पहला क्वेश्चन पॉसिबल है आफ्टर 2 पास, आफ्टर 3 पास, हाउ द एरे विल लुक लाइक।
ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ स्वैपिंग्स रिक्वायर्ड, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए आपसे पूछ सकते हैं कि इसको सॉर्ट करो, टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कितनी आएंगी वो काउंट करो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हम निकालते हैं वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि लेट सी अगर मैं एरे को अनसॉर्टेड ले लूं, 9, 6, 7, 5, 4 इस तरीके से अगर मैं ले लूं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लूं, तो हमने देखा कि बबल सॉर्ट करता क्या है, आफ्टर एवरी पास द मैक्सिमम एलिमेंट विल बी एट द राइट मोस्ट पोजीशन, यहां पे पहुंच जाएगा। तो देखो, अगर मैं एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लूंगा तो ऑब्वियसली 9 को यहां तक लेके जाना पड़ेगा, लास्ट पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यही वर्स्ट केस बना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्वैपिंग्स सबसे ज्यादा होंगी। पहले आप 9 को 6 के साथ करोगे तो ये 6, 9 हो जाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करोगे, तब जाके 9 जो है वो अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो अगर हम बात करें, लेट से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट को मैं कितनों के साथ कंपेयर कर रहा हूं, कितनी बार मेरी स्वैपिंग होगी, ऑब्वियसली n माइनस 1 टाइम्स मेरी क्या होगी, स्वैपिंग। देखो यहां पे हमने जो किया, 9 को हमने कंपेयर किया सबके साथ, तो 9 को जब हमने कंपेयर किया यहां पे एक एक करके हम करते जा रहे हैं, तो 15 यहां पे पहुंचेगा। अब मैक्सिमम एलिमेंट को यहां तक पहुंचने के लिए इन द वर्स्ट केस इट कैन हैव 1, 2, 3, 4, देखो कितने स्वैप्स हुए, 4 स्वैप मेरे को करने पड़े। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एलिमेंट लिए, 4 स्वैप करने पड़े। अगर n एलिमेंट हुए तो मैक्सिमम कितने स्वैप होंगे, n माइनस 1। नेक्स्ट टाइम तो देखो 9 जो है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 6 को कंपेयर करोगे, तो 6 को कंपेयर करोगे किसके साथ, 7 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ, मतलब नेक्स्ट टाइम जो है वो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो जाएंगे, n माइनस 2। रीजन, 9 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है तो उसको कंसीडर नहीं करना, और दूसरा फर्स्ट एलिमेंट जिसको आप पहुंचाना चाहते हो ऑब्वियसली वो काउंट नहीं होगा, तो n माइनस 2। नेक्स्ट टाइम n माइनस 3, अप टू कहां तक जाएगी ये वैल्यू, 1 तक जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, विच कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। रीजन, n स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये लीनियर है, तो दोनों में से लार्जर कौन है, n स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो है यहां पे आंसर आएगा। और ये कैसे आ रहा है, अगर लेट्स से मैं इसको सीरीज को ले लूं, 1, 2, 3, 4 अप टू n माइनस 2, n माइनस 1, इसी सीरीज को अगर मैं ऐसे लिख लूं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 अप टू 2, 1, लिख सकते हैं इसको सीरीज को, पहले मैंने सीधा लिख दिया फिर मैंने उल्टा लिख दिया। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ू तो क्या बनेगा, 2s, दोनों को टोटल कर दो 2s, ये क्या बन जाएगा n, ये क्या बन जाएगा यहां पे n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n, n माइनस 2 प्लस 2 दैट विल बी n, n n अप टू व्हाट, n n, मतलब कितने टाइम्स n आएगा, आपका n माइनस 1 टाइम्स n आएगा। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा। दिस इज हाउ वी जनरली सॉल्व इट, सो दिस इज अ फॉर्मूला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, n इनटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल आपका क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आफ्टर 2 पास, आफ्टर 3 पास, हाउ द एरे विल लुक लाइक एंड द टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स रिक्वायर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बबल सॉर्ट से रिलेटेड। थैंक यू।